नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर डीएमके सांसद सेंथिल कुमार की टिप्पणी ने सनातन पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। लोकसभा में सेंथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी ने गौमूत्र वाले राज्यों में जीत हासिल की है, यानी सेंथिल कुमार ने हिंदी पट्टी के राज्यों को गौमूत्र कह दिया है। जाहिर है इस विवादित टिप्पणी पर घमासान तो होना ही था। हालांकि कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने इस बयान को लेकर डीएमके सांसद से माफी की मांग की, लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह सनातन का घोर अपमान है और इस बयान को लेकर माफी भी काफी नहीं है। ऑफ दिस बीजेपी इज ओनली विनिंग इलेक्शंस एंड मेनली इन द हार्टलैंड स्टेट्स ऑफ हिंदी एंड व्हाट वी जनरली कॉल्ड एज द गोमूत्र स्टेट्स। यू कैनॉट कम टू साउथ इंडिया। हिंदी भाषी राज्यों पर डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार की टिप्पणी ने तूफान खड़ा कर दिया। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ही संसद का सियासी तापमान आसमान छूने लगा। सनातन पर नया संग्राम छड़ गया। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत से हताश डीएमके सांसद यहीं नहीं रुके। भावनाओं का ज्वार खड़ा करने के वास्ते डीएमके सांसद ने केंद्र सरकार पर दक्षिण भारत को दबाने का इल्जाम भी चस्पा कर दिया। We will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. डीएमके सांसद के विवादित बयान ने सहयोगी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने बिना देरी किए डीएमके सांसद के विवादित बयान से किनारा कर लिया। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे डीएमके सांसद का निजी बयान कहकर किनारा कर लिया। तो तमिलनाडु से ही आने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भी डीएमके के सांसद के इस बयान पर आपत्ति जता दी। तो उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने भी ट्वीट के जरिए सेंथिल कुमार के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लेकिन बीजेपी डीएमके पर आग बबूला हो उठी। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दल बीजेपी के निशाने पर आ गए। And if you say that it is a controversial statement, then members who were there inside, including the Home Minister who introduced the bill, he was there. Members of BJP, you know, they are there. Members of our alliance are there. And so many other members were there, speakers there, chairperson was there. If anything was controversial, they would have raised it then and there. But since I have addressed it already before, and it has not been this thing, my intention was not to hurt anybody of any this thing. राज्यसभा में डीएमके सांसद के बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने सेंथिल कुमार से माफी की मांग की, तो इंडिया गठबंधन के घटक दल भी सेंथिल कुमार के बयान की निंदा करने लगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकांश सांसदों ने कहा कि डीएमके सांसद का बयान सनातन का अपमान है, नाकाबिले बर्दाश्त है। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और ऋषिकेश के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24।